हर साल बजट के बाद अप्रैल के महीने में आयकर से जुड़े नियमों में बदलाव होता है। हालांकि इस बार पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने के कारण कुछ ऐसे नियम हैं जो कि सितंबर महीने से लागू हो रहे हैं। जिन नियमों में बदलाव हुआ है वो TDS, पैन कार्ड, आधार कार्ड से जुड़े हैं, जिनका आम लोगों पर बड़ा असर होगा। आइए जानते हैं उन 7 नियमों के बारे में जो कि 1 सितंबर से बदल गए हैं। 1 सितंबर से घर खरीदने पर आप जो भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे उसके लिए भी TDS देना होगा। इकतीस अगस्त तक ITR न भरने पर जुर्माना, ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम लागू हो जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीड करने पर भी जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन दिया जा सकता है। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसों पर भी कंपनी पर जुर्माना लगेगा। प्राकृतिक आपदा के लिए बीमा क्लेम भी होगा। तोड़फोड़ और दंगों से हुए नुकसान पर भी बीमा क्लेम होगा। रेल टिकट बुक कराना अब महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज देना होगा। सभी श्रेणियों पर सरचार्ज लगेगा। ₹15 से लेकर ₹40 तक अतिरिक्त देने होंगे ₹। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल पे भी महंगा हो जाएगा। KYC पूरा करवाना जरूरी होगा। 15 दिन में बैंकों को जारी करना होगा किसान क्रेडिट कार्ड। केंद्र सरकार दे चुकी है बैंकों को दिशा निर्देश। लोन लेकर घर खरीदना सस्ता होगा। SBI ने ब्याज दर में 0.20% की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन पर भी ब्याज दर 8.05% होगा। तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी होगी। पैकेजिंग और लेवलिंग के 2008 के नियमों में बदलाव होगा। पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए भी नई स्कीम लाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में ₹1 करोड़ से अधिक धनराशि की अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक के खाते से निकासी करता है तो उसको 2% TDS देना होगा। इसके लिए आयकर कानून में एक नया सेक्शन 194N लाया गया है। अगर कोई व्यक्ति या HUF किसी ठेकेदार अथवा प्रोफेशनल व्यक्ति को साल भर में किसी सेवा के लिए 50 लाख का भुगतान करता है तो फिर उसको 5% की दर से TDS का भुगतान करना होगा। यह ऐसे लोगों पर असर डालेगा जो घर बनवाते हैं या फिर शादी के लिए किसी एक व्यक्ति को ही सारा भुगतान करते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को TDS काटने के लिए TAN जरूरी नहीं होगा।